देखें। पीटर तुम चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे सिर्फ एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा मिला, कितने अफसोस की बात है। हंसना बंद करो और देखो तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास इसका एक बकेट है, यह बुरा नहीं है, स्वादिष्ट लग रहा है। अब सिर्फ तुम ही बची हो वेवियन। इतना सारा पॉपकॉर्न, हाँ यह तो इसका एक पूरा पहाड़ है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। मेरे पॉपकॉर्न को घूरना बंद करो और अपना खाओ। यह काम तो पलक झपकते ही हो जाएगा, पर इस वजह से मैं इसके मजे लेने से नहीं रुकूंगा। जिंदगी में हर पल का मजा लेना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो पीटर? तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तरीके से खाया कैसे जाता है। मुझे पता है कि तुम यह सब चीज नहीं जानती, तो मुझे देखो और सीखो। मुझे एक कांटे और चाकू की जरूरत होगी। हाँ, इसकी मदद से मैं पॉपकॉर्न को ध्यान से छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ। वाह क्या स्वाद है, एकदम कमाल का। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? हाँ मेरा हो गया। ओ, मुझे इतनी हड़बड़ी में नहीं डालना चाहिए था, गैस हो गया। अब तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ गए? मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे वो सब बकवास की जरूरत नहीं है। मैं सीधा अपने स्वादिष्ट पॉपकॉर्न को खा सकती हूँ। वाह ये कितना कुड़कुड़ा है, मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा है। अब बस एक अच्छे फिल्म की कमी है। अरे क्या मैंने सारे खा लिए, वो भी इतनी जल्दी? मुझे पता ही नहीं चला, एक ही टुकड़ा बचा है, मैं इसे खत्म कर देती हूँ। मेरा मौका है, मैं इसे नहीं गंवा सकता। तुमने क्या किया पीटर, ये सही नहीं है, वो मेरा पॉपकॉर्न था। मैं खुद को रोक नहीं सका, वो मेरे इतने करीब था ना इसलिए। चलो विवियन अब तुम। कितना स्वादिष्ट है, मैं बहुत लकी हूँ, मैंने इतने पॉपकॉर्न के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। अपना हाथ मेरे खाने से दूर करो। उसने मेरी उंगली काट ली। कितना दर्द हो रहा है, पूरा लाल हो गया है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, वरना कोई पॉपकॉर्न नहीं बचेगा। चलो वैक्यूम क्लीनर उठाओ और जितना पास हो सके उतना आओ। चालू करो मैरी, मैं तैयार हूँ। हमारा मिशन शुरू हो गया है, ये सफल हो जाएगा, जल्दी सारा पॉपकॉर्न हमारा होगा। कितना बढ़िया, मुझे इस तरह के मस्त प्लान का हिस्सा होने में मजा आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा पॉपकॉर्न कहाँ जा रहा है? पीटर वैक्यूम क्लीनर को इसी वक्त बंद करो, तुमने मेरा पॉपकॉर्न कैसे चुरा लिया? ऐसे ही तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए लो अपना पॉपकॉर्न। बहुत बढ़िया, अब वो गई यहाँ से, तो कोई हमें नहीं रोकेगा। चलो जल्दी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। इस बार मैं ढक्कन पहले खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह एक पैकम, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं रुकने वाली, मुझे अभी इसी वक्त इसे खोलना है। ये च्युइंगम काफी अच्छा होता है। वाह किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इतनी हड़बड़ी मत करो विवियन, जरा हमें भी तो देखने दो। वाह मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, यहाँ कितने सारे बबल गम है, ये तो गम का एक दीवार है। कितनी जल्दी तुमने सारे रैपर खोल लिए, पर तुमने भी हड़बड़ी कर दी। माफ करना, मैं तो एकदम ही भूल गई थी कि पीटर ने अपना हिस्सा नहीं देखा, पर मैंने तो काफी अच्छा काम किया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। वाह इतना कुछ इस ढक्कन के नीचे कैसे अट गया था। खैर छोड़ो, मुझे इतना नहीं सोचना, यह मस्त है। मेरे पास बोलने के शब्द ही नहीं बचे, फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस ओर से देखा जाए, यह कमाल का है। सारे रैपर बस हटाने होंगे, मैं सारे उड़ा दूंगा ऐसे। मुझे भी वो खाना है। हाथ दूर करो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। लालची कहीं के, कितने बुरे हो। अब बैठो और इंतजार करो जब तक मैं अपना गम खा रही हूँ। कितना मुलायम है, मैं एक बड़ा बबल फुलाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। अब तक अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे गम में कुछ गड़बड़ है, इसे मैं फुला ही नहीं पा रही हूँ, पर मुझे पता है क्या करना चाहिए। मुझे एक पंप की जरूरत है, देखो ये काम कर रहा है। वाह अब यह हुई ना बात, मेरा प्लान काम कर गया। कितना बड़ा गुब्बारा है, इसे एक स्टिक पर लगाकर मैं रखूंगी। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे विवियन का बिलून चाहिए, पर वो तो पक्का मुझे नहीं देगी, इसलिए एक शरारती हो जाए, निशाना लगाती हूँ। अरे नहीं मेरे बैलून को क्या हो गया, ये फट क्यों गया? माफ करना विवियन, मुझे बस थोड़ा मजा करना था। ये बिल्कुल मजेदार नहीं था, जाओ तुम अपना गम खाओ। हाँ मैं अभी वही करने जा रही हूँ, कितना स्वादिष्ट है।
मैं खाना बंद नहीं कर पा रही और अब बबल फुलाने की मेरी बारी है। तो बस शुरुआत की, मुझे थोड़ा वार्म अप करना होगा। देखो विवियन, वो ऐसा कैसे कर पा रही है। अब परेशान करने की बारी मेरी है। मैरी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तुमने मेरा बबल फोड़ा और मैंने तुम्हारा। क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरा चेहरा गम में क्यों ढक गया है। अरे नहीं, मेरा च्युइंग गम ये पूरा बर्बाद हो गया और मेरी भौहें भी। कितना भयानक, मुझे इन्हें फिर चिपकाना होगा। हो गया, मेरी पुरानी भौहें वापस आ गई। पीटर, अब तुम्हारी बारी है। मैंने इस पल का कितने देर से इंतजार किया है। मेरे हाथ ने गम पकड़ लिया है और वे नहीं रुक सकते। और रुकना चाहिए भी क्यों, ये सब आखिर मेरे लिए ही तो है। वाह, इतना सारा गम है, ये मेरे मुंह में नहीं हटेगा। पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। घबराओ मत विवियन, सब कंट्रोल में है। देखो मैंने कितना मस्त बबल फुलाया है, एकदम कमाल का। रुक जाओ पीटर, बस करो, तुम्हारा बबल फट जाएगा। विवियन झुक जाओ। सही की मैरी, ये तो विस्फोट ही हो गया। मुझे उठने में मदद करो, मैं चिपक गया हूँ। तुम एक मकड़े की तरह लग रहे हो जो अपने जाल में फंस गया हो। अब मैं पहले हूँ। वाह, दूध के साथ कुकीज। लेकिन इतना कम क्यों है, केवल एक कुकी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विवियन तुम देखो, मेरे पास एक बड़ा हिस्सा है। बहुत अच्छा, मैं तो इसके साथ खुश हूँ। मुझे दूध के साथ कुकीज बहुत पसंद है। तो क्या इसका मतलब मैरी के पास एक विशाल हिस्सा है। जल्दी से ढक्कन उठाओ। एक साथ 100 कुकीज और पीने के लिए दूध का एक बड़ा गिलास है। मैं तुम्हारी जगह रहना चाहता हूँ मैरी, लेकिन मुझे थोड़े से संतोष करना होगा। मैं कुकी को दूध में डुबो रहा हूँ, मुझे लगता है ये पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट है। फिर से दूध में डुबोने का समय आ गया है। अरे नहीं, मैंने अपनी एकमात्र कुकी गिरा दी। शायद तुम अभी भी उसे निकाल पाओ। मुझे नहीं लगता, यह मुमकिन नहीं है। तुम कभी कभी कितने लापरवाह हो सकते हो पीटर, तुम्हें क्या लगा था। मैं सारा दूध पी लूंगा और फिर मैं अपनी कुकी तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे पास दूध की मूछें हैं। अरे वाह, ये स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया। पीटर तुम एकदम बेवकूफ हो। तारीफ के लिए धन्यवाद विवियन, तुम्हारे लिए अपनी कुकीज खाने का समय आ गया है। ओ, इसमें कितनी फीलिंग है, इसे खाने में तो मजा ही आ जाता है। और अब मैं इसे थोड़े दूध में डालती हूँ। मैंने भी कुकी को गिलास में गिरा दिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। देखो मेरा दूध कैसा हो गया है, ये चॉकलेट स्मूदी जैसा दिख रहा है। तुम क्या कर रही हो विवियन। दुनिया की सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक बना रही हूँ। सारी सामग्री इकट्ठा हो गए हैं और अब इसे बस शेकर में अच्छे से हिलाना होगा। वाह, मस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया। और अब देखते हैं कि कैसा बना है। कॉकटेल को एक सुंदर ग्लास में डालना होगा। बहुत चॉकलेटी लग रहा है, मुझे ये पसंद आया। मैं एक स्ट्रॉ और एक कॉकटेल छाता लगा देती हूँ और अब इसे पी कर देखती हूँ। ये जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। कमाल का स्वाद है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे अब समझ आया कि यह स्ट्रॉ या छाता, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने सिर्फ स्वाद रखता है। और इसे पीने में बहुत मजा आया। और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कितने सारे कुकीज है, कुछ खा के देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, क्या हमें भी थोड़ा मिल सकता है। सोचना भी मत, तुम पहले ही अपना खा चुके हो, यह सब मेरा होगा। अरे नहीं, मैंने भी कुकी दूध में गिरा दिए। ये सब सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। ऐसा लगता है कि मेरी दूध में गिर गया, तो इसका स्वाद इसमें होगा। अच्छा विवियन, मैरी को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं पूरी भींग गई हूँ। Okay. दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना डिश खोलना चाहती हूँ। वाह, यहाँ तो गम है, कितना अच्छा, कितनी अच्छी महक है। वाह, मैंने अपने मुँह में डाला ही नहीं, फिर भी यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो टॉम। दरअसल तुम्हें सभी का इंतजार करना चाहिए। आओ देखिए कि मेरे ढक्कन के नीचे क्या है। वाह, यहाँ भी गम है, लेकिन यह पॉली की तुलना में बहुत अधिक है। मुझे यह लेआउट पसंद है। जल्दी इसे पैकेट से निकालना चाहिए। तुम क्या कर रही हो कैट, सभी रैपर हम लोग पर उड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने खत्म कर लिया, सिर्फ मेरे हिस्से को खोलना बाकी है। वाह, वहाँ तो गम के 100 पैक है। मैं इतने सारे पैकेज को कैसे हटा सकता हूँ। मैं पंखे की मदद लेकर देखता हूँ।
तो सब हट गया। टॉम, क्या मैं तुमसे कुछ ले सकती हूँ? ऐसा तुम सोचना भी मत। पॉली को कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है, मेरे पास भी अपना गम है और मैं इसे पहले खाना चाहती हूँ, इसलिए मेरे खत्म करने तक तुम लोग इंतजार करो। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, अब मैं बबल बना सकती हूँ। एक बार फिर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं जानती हूँ कि क्या करना होगा, मुझे सिर्फ एक पंप चाहिए। देखो, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा बबल बनाऊंगी। अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा हो गया। मैं इसे एक छड़ी पर लगा दूंगी और इसे हिफाजत से रख दूंगी। मुझे भी ऐसा ही चाहिए, और चूंकि यह मेरी नहीं है इसलिए मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। माफ करना पॉली, मैं ये भूलूंगी नहीं। केट, यह लो। ओह, मिस हो गया। खैर, किसी दिन हिसाब की घड़ी आएगी, पर अभी नहीं। आखिरकार मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। मुझे बहुत सारी च्युइंगम खाने की जरूरत है। पॉली, तुम चाहो तो इसे देख सकती हो। मुझे लगता है कि हमें लंबा इंतजार करना होगा, केट बहुत धीमी है। वाह, देखो एक बबल बना रही है। अभी मौका है मेरे जीतने का। तुमने क्या किया पॉली? मैंने बहुत अच्छा किया था। तुम्हें तुम्हारी चाल से हराया। अरे बाप रे, मुझे लगता है कि मैंने गलती से अपनी भौहें उखाड़ दी है। इसे जल्द से जल्द इसकी जगह पर लगाना होगा। आशा है कि जो कुछ हुआ उसके बाद वे सामान्य दिखेंगे। हंसना बंद करो। टॉम, मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है। हैरानी की बात है, लेकिन इस बार मैं तुमसे सहमत हूँ। इतना गम खाने में मुझे बहुत मेहनत और समय लगेगा। मैंने सोचा नहीं था कि यह इतना कठिन होगा। मुझे पसीना आ रहा है और मेरे जबड़े मुश्किल से हिल रहे हैं। खैर, ऐसा लगता है कि अब बबल फुला सकते हैं। मैं यह कर सकता हूँ। टॉम रुको, ये कुछ ज्यादा हो गया। अरे नहीं, वो फट गया। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बम फट गया हो। तुम कैसे हो टॉम? मैं हिल भी नहीं सकता, मैं टेबल से चिपका हुआ हूँ। हमेशा की तरह मुझे शुरू करना चाहिए। वाह स्कीटर, ये गम से भी बेहतर है। चलो देखें कि केट और मुझे कौन से हिस्से मिले हैं। वाह, मेरे पास काफी कैंडी है और मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। मैं ये सब गिन भी नहीं सकती। हमेशा की तरह बेला की किस्मत उसके साथ नहीं है। तुम कितने दुष्ट हो। कोई बात नहीं, किसी दिन मुझे भी खुश होने का मौका मिलेगा और तब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। ओह, पैक में केवल एक कैंडी है, अब तो यह हद ही हो गई। हर सेकंड का मजा लेने के लिए मुझे इसे बहुत धीरे धीरे खाना होगा। अफसोस की बात है। तो तुम्हें क्या उम्मीद थी? यहाँ मेरे हिस्से को काफी देर तक खाया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। जब पास में कैंडी के इतने सारे पैकेज हैं, तो समय क्यों बर्बाद करें? वाह, एक ही समय में मीठा और खट्टा, मुझे यह पसंद है। रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरा विश्वास करो, मेरी योजना तुम्हें चौंका देगी। इसे करने के लिए सभी कैंडी को पैक से बाहर निकालना होगा, लेकिन यह इसके लायक है। मैं इस पर थोड़ा समय लगाने के लिए तैयार हूँ। तैयार? चलो चलते हैं। अब कैंडीज को रंग के अनुसार छांटने की जरूरत है, इस तरह। मुझे नहीं लगा था कि इतना रोमांचक था। खैर, मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। देखो कितना है। क्या मैं एक ले सकती हूँ? वहाँ टॉम ने मुझे कुछ नोटिस नहीं किया। कुछ और कैंडी चुराना संभव होगा, मैं कितनी चालाक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कैंडीज कहाँ जा रही है। लगता है और भी है। पॉली, ये सब तुम्हारा काम है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं इस चूहादानी को यहीं छोड़कर कैंडी से भरना जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें संदेह ना हो। थोड़ा और ले लेती हूँ। मेरी उंगली, चूहादानी कहाँ से आई? टॉम, मुझे पता है ये सब तुमने किया है। तुम्हें मेरी कैंडी लेने की जरूरत नहीं थी। वैसे मैंने पहले उन्हें रंग के आधार पर छांट लिया है, अब हर एक स्वाद का अलग से मजे ले सकते हैं। लालची, थोड़े कैंडी भी शेयर नहीं कर सकते? खैर कोई बात नहीं, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। ये क्या है पॉली? बहुत बड़ा पंखा। ओह, तुमने मेरी सारी कैंडी उड़ा दी। वाह, अब कैंडी खाने की बारी मेरी है। मैं उन्हें खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं ऊपर से शुरू करूंगी। चलो देखें कि अंदर क्या है। स्वादिष्ट लग रहा है। कितने प्रकार के स्वाद है, मैं उन्हें तुरंत महसूस करना चाहती हूँ। यह रहा पहला पैक, अब बाकी को खोलने का समय है। और कैसा होगा यदि इसे सीधे टेबल से कैंडी लेते हैं? शायद ये सुविधाजनक होगा। हाँ, काफी अच्छा है, जारी रखती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इतना स्वादिष्ट कि रुकना मुश्किल है। लगता है इसमें लंबा समय लगेगा। हम फोन में कुछ कर सकते हैं या पॉपिट खेल सकते हैं। शायद अपनी उंगलियों से कुश्ती करना बेहतर होगा। बस हो गया, मैं अब और नहीं खा सकती, मेरा पेट भर गया है।
फिर हम इसे ले लेते हैं। जी नहीं, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। तुम क्या कर रही हो केट? तुम्हारे पास इतनी प्लेटें क्यों हैं? तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है टॉम, जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से कैंडी बिछाई, और अब उन्हें स्प्राइट के साथ डालना होगा और हम एक वास्तविक चमत्कार देखेंगे। यह एक कटोरे में इंद्रधनुष होगा। यह शुरू हो गया है, देखो। वाह, तुमने यह कैसे किया? यह जादू ही लगता है। यह वास्तव में इंद्रधनुष जैसा दिखता है। मैंने तुमसे कहा था रंग एक के बाद एक खूबसूरती से बह रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इस बार मैं पहले देखना चाहता हूँ। और यह क्या है? मैंने पॉपकॉर्न के इतने छोटे हिस्से कभी नहीं देखे। सिर्फ एक बार खाने के लिए एक दाना है। हाँ वो तो है, मुझे भी थोड़ा सा मिला है, हालांकि यह टॉम से बेहतर है। आखिरकार मैं भाग्यशाली निकली। मैं जानती थी यह होगा। पॉपकॉर्न की कितनी बड़ी बाल्टी। वाह, मुझे अब तुमसे जलन हो रही है पॉली। मुझे अभी अपना बेचारा एक पॉपकॉर्न खाना होगा। तुम क्या कर रहे हो टॉम? मेरी राय में वो कुछ बकवास कर रहा है। तुम कुछ नहीं समझते, एक छोटा सा हिस्सा भी खूबसूरती से खाना चाहिए। मैं एक कांटा और चाकू लूंगा। असली जेंटलमैन यही करते हैं। इतना छोटा अनाज काटना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि भोजन को कैसे संभालना है। मुझे समझ आ रहा है तुम जानबूझकर ज्यादा समय लगा रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस सभी काम पूरे शिष्टाचार से करना जानता हूँ। लगता है कभी कभी तुम उनके बारे में भूल जाते हो। खैर मुझे परवाह नहीं है, मैं अपने पॉपकॉर्न मजे से खाऊंगी, भले ही थोड़ा क्यों ना हो। देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। ओ, लगता है सारे खत्म हो गए। अरे नहीं, अभी एक दाना बाकी है। बहुत अच्छा, इसे डिजर्ट की तरह खाती हूँ। ये हम देख लेंगे। मेरा पॉपकॉर्न कहाँ गया? टॉम तुम क्या कर रहे हो? टॉम आज केट को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अपना ख्याल रखना, मेरे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। मुझे पॉपकॉर्न का पूरा पहाड़ खाना है। ओह कितना मीठा और कुरकुरा है। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। अब मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे खा सकती हूँ। किस्मत आज तुम्हारे साथ है पॉली। हाँ और मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरा पॉपकॉर्न चुराने की कोशिश भी मत करो। हमें इतनी जल्दी पीछे हटने की आदत नहीं है। मैं जानता हूँ कि क्या करना है। एक विशेष वैक्यूम क्लीनर मुझे कुछ पॉपकॉर्न चुराने में मदद करेगा। वाह ये काम करता है। टॉम तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मुझे मेरा पॉपकॉर्न अब वापस दे दो। ये एक शानदार योजना थी। तुम महान हो टॉम, चलो खाते हैं। अपने मुंह से पॉपकॉर्न पकड़ो किट। तुमने क्या किया, ये अच्छा नहीं हुआ। मैं फिर से शुरू करने के लिए तैयार हूँ। दूध और ओरियो कुकीज, स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? ठीक से दिख भी नहीं रहा है। वाह मैं फिर से भाग्यशाली निकली। कितना अच्छा है। तुम्हें किस्मत के बारे में क्या पता है पॉली? यहाँ देखो मेरा हिस्सा अद्भुत है। और बेचारा टॉम, सावधानी से, तुम्हारी वजह से मेरा कुकीज गिर सकता है। क्या अच्छा होगा, मुझ पर हंसो मत। मेरा विश्वास करो, मैं अपने छोटे से हिस्से को भी मजे लेकर खा सकता हूँ। ये कुकीज बहुत कुरकुरे हैं और दूधिया स्वाद एकदम सही। अरे नहीं, मैंने ग्लास में कुकी गिरा दी। मुझे इसे तुरंत निकालना होगा, नहीं तो ये नरम हो जाएगा। लेकिन हाथ जा ही नहीं रहा है, क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है, मुझे बस दूध पीना है तो कुकीज नीचे रहेंगी। लगता है मैंने इसे खा लिया। अब मेरी बारी है। मुझे आशा है कि मेरी कुकीज को ग्लास में से कोई खतरा नहीं है। वाहित है सारे टॉपिंग्स, मुझे ये बहुत पसंद है। यह कितना क्रीमी है और साथ ही क्रिस्पी भी। बनावट और स्वाद का सही संयोजन। उफ, मेरी कुकी भी ग्लास में गिर गई। आओ देखे कि तुम इसे कैसे बाहर निकालती हो पॉली। कैसा रहेगा अगर मैं इसे कुछ करूँ ही नहीं तो? कुकीज का धन्यवाद, अब मेरा दूध चॉकलेट रंग का हो गया है। है ना ये शानदार। मुझे और भी अधिक कुकीज जोड़ने और एक प्रकार के बर्तन में सब कुछ ठीक से मिलाने की जरूरत है, तब एक स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक मिलेगा। लगभग हो गया, बस इसे हिलाना है। क्या उसे सच में कुछ स्वादिष्ट मिलने वाला है? अब तुम देखना। मुझे अपनी रेसिपी के बारे में कोई संदेह नहीं है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं ये चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लगता है पॉली सही थी, उसकी योजना काम कर गई। मैंने तुमसे कहा था, अब देखो और मुझसे ईर्ष्या करो। स्वादिष्ट कुकी स्वाद के साथ चॉकलेट दूध। मैं इसे स्ट्रॉ से नहीं पीना चाहती, मुझे यह सब चाहिए। वाह इस कॉकटेल को याद रखना होगा।
लगता है अब केवल मैं ही बची हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्दी से अपने हिस्से से निपट लूंगी और तुम्हें उसके पास पहुंचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उसके लिए योजना है। सभी कुकीज एक ग्लास दूध में चली जाएंगी। वाह, क्या बड़ा स्प्रे है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुकीज जल्दी से एक ग्लास में निकली। सुपर, जल्दी खुश हो रही हो केट? हम तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। बॉन एपिटीट। ये तुमने क्या किया, पूरा दूध और कुकीज मेरे ऊपर। पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है। वाह, क्या वह लेमोनेड है। वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है इस तरह से। अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है। शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया, अब हम सही रास्ते में है। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी, अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए, खीरे के साथ सजाना है, और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओ, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओ हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है, बेरी सिरप। हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन, बस इस लेमोनेड को देखो। मुझे लगता है मैरी को यह जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करूँ मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या, ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जैन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी के बात दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा, और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या, हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है, हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्तरां में मछली परोसते हैं, लाइम और हमारा सॉस, बस, और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है, हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, यह बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्तरां का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है, चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है, बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है।
उनकी स्पीड को तो देखो। वाह बढ़िया, दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर, वाह कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गुन्ना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है, मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा, ये तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह यह बहुत अच्छा होगा। चलो यह तय हो गया है, मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते हैं कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा, हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी, और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप क्रीम। बेरीज और व्हिप क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है यह लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या? चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक, मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें, इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने यह सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट है। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना? अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ, ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर, दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो? नहीं, शायद या। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओ यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही, सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया, वाह कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा, किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला, बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इसे शुरू करते हैं। अजी महकारी है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला तो यहाँ कुछ तो है,
क्या दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।